Because yes, कल हम फिल्म का स्पेल कर रहे थे रैप और आज हम सुनो चंदा की सेट पे हैं. So, बस और कॉन्सर्ट्स भी आपके साथ साथ चल रहे हैं. कॉन्सर्ट्स भी साथ साथ चलते हैं. तो मुझे ये बताएं, टॉकिंग अबाउट सुनो चंदा, हम जिसके सेट पे हम हैं, सबसे पहले सीजन वन आपको जब ऑफर हुआ तो वो क्या सिचुएशन थी, कैसे आया, क्यों आपने डिसाइड किया कि आपको करना है? एक्चुअली जब सीजन वन मुझे ऑफर हुआ तो सबका ये सबका ये ख्याल था कि मुझे नहीं करना चाहिए. Because you know, in Ramadan, the game shows were highly anticipated, or game shows were the only thing that got TRP. और एक trend बन गया था कि Ramadan में लोग game shows ही देखेंगे. But when I read the script, so I got excited because मुझे लग रहा था कि हर थोड़ी देर बाद लोगों को कुछ change चाहिए होता है. और drama पे ऐसी family oriented comedy, love story मैंने नहीं देखी थी. So, you know, all those political shows and then all those family politics. उससे हटके कुछ एक सोशल इशू बेस भी बहुत ज्यादा ड्रामे भी आने शुरू हो गए. एग्जैक्टली. सो दिस वाज लाइट हार्टेड कॉमेडी और लोग रोजे के बाद जब काउच पर टैटो बनते हैं तो उनका दिल करता है आराम से बैठ के हंसे. सो इतना हिट होगा ये नहीं सोचा था, लेकिन ये जरूर था कि कुछ अच्छा बनेगा. एंड देन इकरा एंड एहसन तालिश, आई थिंक वी एज अ टीम दैट व्हाट पीपल लाइक्ड. तो मैं तो फरहान को जानता हूँ क्लोजली. अरसल का जो कैरेक्टर है उसमें बहुत सारे मुझे झलक नजर आती है आपकी, फरहान की, क्योंकि रियल लाइफ में आप शायद अरसल से भी बहुत ज्यादा विटी और फनी है. तो ऑडियंस को आप बताएंगे कि कितना ज्यादा आपने फरहान को लैंड किया है अरसल को? मैंने, हाँ, पर्सनालिटी वाइज तो अरसल इज क्वाइट क्लोज टू फरहान, लेकिन उसके कुछ वैल्यूज है अरसल के जो मेरे बिल्कुल नहीं है. जैसे ही इज क्वाइट of the idea कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को रोटियां खाली पकाना चाहिए, and you know in real life I'm nothing like that. So well, that's the character that the writer Saima ji has written. But yeah, the wit and माँ के साथ ऐसे बात करना, that I've taken from the real life something, because वो जो wit है वो काफी improvised होता है. तो when you improvise कहीं ना कहीं आपका अपना आ जाता है taste. But yeah, I think आपके जो मेरी जो माँ play कर रही है नादिया जी, she helped me a lot. The way she काफी जितने हमारे dialogues वो Instagram वगैरह पे जो clips बने हुए हैं वो काफी हमारी improvisations हैं. So I think when you are in the character fully, so इस तरह की चीजें आ जाती हैं. तो आप ये कहेंगे कि अरसल का character आपने बहुत enjoy किया है play करते हुए? Actually, और मुझे ये, because मुझे acting में इतना तो experience नहीं है, I've just started acting and it's my what, 4th, 5th project if you see. बट मुझे इस 4-5 प्रोजेक्ट में ये भी एहसास हो गया कि टू रीलिव अ कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट जॉब. पिछले साल हमने एक किया, वो इतना हिट हो गया कि लोगों ने कहा सेकेंड सीजन करें. अब एक साल के बाद दोबारा जब आए हैं, सो इट टुक गुड 4-5 डेज टू कम बैक. वी यूज टू, मी एंड निकरा यूज टू वॉच द प्रीवियस क्लिप्स. मैं उसको देखता हूँ, वो भी देख रही होती इंस्टाग्राम पे कि पिछले साल किया क्या था. सो या, तो यू गो इन दैट जोन एंड आपके जो आपके जो को एक्टर्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं. सो द केमिस्ट्री एंड ऑल दैट मैटर्स. मैं यही पूछने वाला था, आप साइमल्टेनियसली अपनी फिल्म टच बटन भी शूट कर रहे हैं, तो एक सेट से दूसरे सेट पे आना और कैरेक्टर्स में ऑब्वियसली ट्रांजिशन करना, वो चैलेंजिंग लग रहा है ज्यादा आपको? एक्चुअली टच बटन की कल एक ऐसा स्पेल है जो ओवरलैप हुआ है इसके साथ, वरना टच बटन हम रैप करके आए थे. कल मुझे इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टच बटन आई एम लिविंग, मतलब आई हैव बीन वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट फॉर अ ईयर. So that is in me. उसमें problem नहीं हुआ. And then ये मैं कर रहा हूँ continuously, तो इतना problem नहीं हुआ. But yes, I don't think I can do this frequently, switching one day here, one day there. But वो 2-3 दिन का patchwork था, वो कराना ही था. But yeah, I think इस तरह की चीजें तो चलती रहती. अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुनो चंदा जो सीजन वन था वो इतने हाई नोट पे एंड हुआ, अरसल और जिया की शादी हो गई और यू नो बोथ आर मैडली इन लव नाउ इट अपीयर्स, तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन मेरी भी, क्योंकि मैंने देखा और इतना एंजॉय किया, अब इतनी ज्यादा है, आपको लगता है कि सुनो चंदा 2 वो मैच कर पाएगा लेवल एक्साइटमेंट का और एक्सपेक्टेशंस का? Yes, I have no idea and that makes me nervous actually, because जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती, पहले कभी नहीं पता था इतना हिट हो जाएगा. वो इतना हिट हो गया कि इतनी एक्सपेक्टेशन है लोगों को, that makes me nervous, because जब कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता और कुछ आ जाए तो लोग अच्छा उसको एंजॉय करते हैं. बट जब सब लोगों की नजरें हों, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस टाइम अराउंड शूटिंग सुनो चंदा 2 इज दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट यू शुड एंजॉय ऑन सेट. वी आर लविंग इट, वी आर एंजॉयिंग
और दैट शोज ऑन योर स्क्रीन. लोगों को वही मजा आता है, वो केमिस्ट्री, वो कम्फर्ट. तो आई थिंक वी आर एंजॉयिंग एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. तो अरसल की जिंदगी में अब क्या है और जिया की, बिकॉज उनकी तो इंटरलिंक्ड जिंदगी है दोनों की. आई नो आप ज्यादा डिटेल्स नहीं रिवील कर सकते. उनकी जिंदगी में वही है, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं. एंड इट्स अ पोस्ट मैरिज लाइफ एंड देन यू नो दे आर सराउंडेड बाय अजीबो गरीब लोग. So the different scenarios, good situations, people would like it, inshallah. So Ikra ke saath to aapka experience I'm sure bahut hi acha raha hoga, season 1 ka bhi, season 2 mein bhi. Off camera koi aapki ladaiyan hoti hai aksar ya nahi, nok jhonk? Off camera to bilkul nahi hoti hamari, lekin jaise hi action hota hai to hum itne master ho chuke hain ladne mein that me and Ikra can improvise anything. The last scene of previous season is all improvised. Acha. Subah 6:30 baje चांद रात के दिन, आई हैड अ फ्लाइट एट 8, वी हैड टू फ्लाई टू लाहौर फॉर ईद. सो बस 6:30 बजे मी एंड इकरा वर शूटिंग एंड द एंटायर सीन इज इम्प्रोवाइज्ड. वो व्हेन दे गो गेट मैरिड एंड गो बैक होम वेयर द फ्री इट फ्रीजेस. अच्छा द एंड. सो द यू नो व्हेन दे कम बैक एंड दे फाइट एंड देन दे बिकम लवी डवी देन दे फाइट अगेन. सो मी एंड इकरा वर सो मच इन द कैरेक्टर्स, आई वाज वेरी इजी फॉर अस. एंड यस आई थिंक इकरा हेल्प्ड मी अ लॉट टू कम बैक टू अरसल. Because वो एक दूसरे को देख के आपको पता लगता है कि what was the chemistry as I was mentioning earlier. तो वैसे off the camera we have a very good chemistry and on camera we are very used to action होता नहीं and we are in the zone. और जो इतनी माशाल्लाह ensemble cast है, इतने ज़्यादा लोग हैं, वो challenging तो नहीं होता आपस में या sugar लगता है set के ऊपर? Sugar लगता है बहुत. Everyone has a good energy. कोई panic creator नहीं है. ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं डिफरेंट सेट्स पे जाता हूँ और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अच्छी बात ये होनी चाहिए कि एनर्जीज अच्छी होनी चाहिए. एक बंदा भी बीच में ट्रबल मेकर हो तो पूरे सेट की एनर्जी खराब होती है. इधर ऐसा कुछ नहीं है. एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर बिकॉज उसकी गुडविल और उसकी प्रोफेशनलिज्म पे सारी कास्ट खड़ी होती है. ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड आई थिंक एसन भाई नोज एवरीबॉडी सिंस द स्टार्ट. उनके हर एक के साथ अपना एक रिलेशनशिप है. सो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. और बाकी जब सबका एक जगह सीन होता है तो I remember जब मैं पहले दिन इधर शूट कर रहा था तो मैं दो दफा तो मेरी वजह से I started laughing in the take क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है जो नए आए हैं. तो मुझे उनपे हंसी आ गई तो लोगों को तो आएगी. सो या जब लोग इकट्ठे होते हैं सुनो चंदा के सेट पे तो मजा आता है. तो सुनो चंदा का आपका पर्सनली कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आप और इकरा को छोड़ के, जिनको देख के आपको बहुत हंसी आती है? मुझे तो एक शाहाना who's playing my mom नादिया जी, वो बहुत मजा आता है उनके सीन करके भी, उनके सीन देख के भी. अभी एक नया कैरेक्टर एंटू है जो मेरा फेवरेट है अभी इस सीजन में. वो मुझे खुद नहीं पता उनका नाम क्या है कैरेक्टर का, बट वो मैं शुरू के 3-4 दिन जब मैंने शूट किया है वो दैट्स द कैरेक्टर आई एम गोना लाफ लाइक क्रेजी. सो दैट्स माय काइंड ऑफ कैरेक्टर जो मुझे टीवी पे देख के पसंद आएगा. सो आई थिंक पीपल वुड रियली लाइक हर. तो बाय द टाइम ये इंटरव्यू ऑन एयर होगा आई एम श्योर लोगों ने एक दो एपिसोड शायद ज्यादा देख चुके हों सुनो चंदा की, बिकॉज आई बिलीव फर्स्ट रमजान से स्टार्ट हो जाएगा. तो बाय दैट टाइम शायद ये आवाजें आना शुरू हो जाएं कि सुनो चंदा सीजन 3 कब आ रहा है. तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, है पाइपलाइन में आपके हिसाब से या सीजन 2 के बाद पता चलेगा? हमारे लिहाज से तो सीजन 2 भी नहीं था. सीजन 2 भी अगर उसी हाइप पे खत्म हुआ तो यू नेवर नो विद हम टीवी, दे कैन डू दैट टू. बट आई वाज टॉकिंग टू द राइटर एंड शी वाज क्लियर इन हर माइंड दैट शी इज नॉट गोना डू द थर्ड वन, बट यू नेवर नो. सीजन 1 के बाद भी हमें नहीं पता था. अच्छा, सो टॉकिंग अबाउट अनदर प्रोजेक्ट दैट यू डूइंग साइमल्टेनियसली, टिच बटन कैसा जा रहा है, वो स्पेल कैसा जा रहा है? आई नो अभी तक आपने बिल्कुल कोई चीज रिवील नहीं की और बड़ा सीक्रेटिव रखा हुआ सारी चीज को, व्हिच इज फाइन, बट कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आप हमें दे सके तो. टिच बटन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, वी लेफ्ट विद वेरी स्मॉल पीस ऑफ वर्क, प्रोबब्ली सॉन्ग्स थोड़े से. उसके बारे में मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहता बिकॉज when you come on a set on a drama set it's a different thing, but when you don't go on a set of a film you live the film. Hum Titch Button hum jee rahe the pichle kuch mahine se. I isolated myself from the concert scene. Maine koi 40-50 din concert nahi kiye. We were in Punjab shooting for that aur hamari puri cast aur humne jitni sardiyon mein shoot kiya it was very very difficult shoot, but the entire cast was brilliant. And I'm very excited for people to see Titch Button because when you go for to watch a movie in a cinema, so you have something to say, especially on Pakistani movies. So whenever we used to go or hum kuch dekhte the,
अच्छी फिल्म पे उतनी ही खुशी होती है, और अगर कोई इतनी अच्छी मूवी ना हो तो लोग यू नो यू टॉक टू योरसेल्फ कि यार ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है. सो दैट क्यूरियोसिटी इन आवर टीम वाज देयर एंड वी ट्राई टू कवर दैट, बट आई डोंट नो.